so today we are going for a shoot in the night. तो आज night shift है और हम अभी घर से निकले हैं, तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शाम हो चुकी है, मगरिब हो चुकी है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और हम शूट पर जा रहे हैं. हम अब घर से निकले हैं और जैसे आपने देखा कि मैंने मेकअप कर लिया है, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब शूट शुरू हो और कब मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, ओवर एंथ. सो मेकअप वेकअप करके घर से निकली हूँ एंड आई विल शो यू द नज़ाराज इन बिटवीन. Few moments later. ये है मेरी आबू. आबू आबू बेबी. आबा जी हम सबकी चहेती, हम सब थैंक यू. एक्चुअली ये बहुत इतनी प्यारी है ना, गुल गुलशन गुलफाम है ये, तो इनसे कौन प्यार नहीं करेगा. ये तो मतलब एक नेचुरल ब्यूटी है, तो इनसे तो प्यार अपने आप उभर ही आता है ना. तो इनको आओ नहीं, गले नहीं लगूं, थोड़ी दो चार भीड़ किशिया नहीं करो तो दिन की शुरुआत. एक्चुअली बड़े बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. बड़े बुजुर्ग से हार्डली कोई बड़ी है. एक्चुअली हिंदुस्तान में 13-14 साल में माँ बन जाती है लड़की. अब तो नहीं बनती, अब सोचती है. ये हमारी जहीना दीदी है, ये हेड डिपार्टमेंट की, हमारे सर के ताज जो है, she gives us our crowning glory. Actually मिलते हैं ना, बतियाए हैं थोड़ा. हाँ हाँ बतियाए, बहुत बतियाए. हेलो, क्या क्या गेट अप मेरे कर दिया आपको. आप दीवाना वार वापस आ गए. हर्ष हर्ष दैट्स माय ब्लॉग. ओह हाय. एंड Harsh is a very old friend, and we go like what 7-8 years back. Yes. And he's one of the most wonderful actors. Oh. पता नहीं क्या क्या रख दिया सरवार पे इनके, but ये आ रहे हैं. ओ पूजा, चलो चलें. This is my room. और ये मेरा रूम है, सजा डजा बजा. और यहाँ पे मेरा एक ईवल आया हुआ करता था, मेरा ईवल है पता नहीं कहाँ चला गया. हम इस सेट पे बहुत दिन बाद आए हैं, हमारी शूट नायगांव में हो रही थी, तो मैं मेरे यहाँ एक ईवल आया हुआ करता था, मेरा ईवल कहाँ गया. देखना पड़ेगा, आज लगता है सर कलम कर दिए जाएंगे क्योंकि हमारे रूम से चीज़ें गायब हुई हैं. बट मेरा रूम इसे हमने सजाया है, हमने खुद वॉल पेपर लगाया बड़ी मेहनत से, मशक्कत से. ये मैंने एक बंजारे से खरीदा था और इस पर इसी छोटे छोटे बर्ड्स वर्ड्स लगाए. ये तो एक्चुअल प्लांट है और मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मेरे रूम में भी एक प्लांट है. तो ये सारा वॉल पेपर हमने खुद, मैंने और विनय ने मिल के लगाया. ये मेरे बर्थडे पर इन्होंने रूम सजाया था, तो मुझे इतना अच्छा लगा था. मैंने कहा जब तक वो खुद से ना गिरे तो चीज़ें ना गिराए जाए, यहाँ पर ना निकाली जाए. तो मेरी यूनिट ने मेरे लिए रूम सजाया था और आई वॉज वेरी टच्ड. आई वॉज वेरी वेरी टच्ड इस बात से. तो तब से यहाँ है, दैट्स इट. ये है मेरा कॉस्ट्यूम और आज हम इसी लुक में नजर आएंगे. तुम हुस्न परी तुम जाने जहां. यस यू कैन स्टार्ट सरीना बेबी. ये हमारी जरीना जी हैं, ये मुझ पे अभी आयनिंग कर रही हैं. उन्होंने कहा तुम्हें तुम्हारा पति तो सीधा नहीं कर पाया, मैं ही स्त्री कर करके तुम्हें सीधा कर दूँ. ज़हीना दीदी आपको मैं कब से जानती हूँ?
लाडो से उसके पहले से शायद उससे पहले से क्रिएटिव आए से बेटियां से जब से मेरी जवानी की शुरुआत आई हुई है तब से जरीना दीदी मुझे जानती है. तब भी मैं माँ के रोल करती थी जबकि मैं खुद एक बच्ची थी. अब भी मैं माँ के रोल करती हूँ. जैसे मैं रीमा जी से कहती थी, रीमा जी कहती है तू ये बता गुलफाम तू इतने सालों से माँ की रोल क्यों कर रही. जब मैं तुझे देखती थी तभी भी तू. मैंने कहा देखिए रीमा जी बहुत फ़ायदा है जैसे आपका होता है ना, अरे हैंडसम हैंडसम लड़के जो है ना बेटे बन जाते हैं. तो इट बिकम्स वेरी सेफ एंड देन नो वन टेक्स यू फॉर ग्रांटेड. भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है. फोन सामने हो तो हम नहीं दिख रहे, हम सामने हो तो फोन नहीं दिख रहा. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. अब अगर ऐसे शूट करें. हेलो मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हाँ मैं मलमल. हाँ मलमल दे रहा हूँ. हाँ क्रिएटिव का ये कहना है कि हम गरीब हैं. हाँ तो क्या करना है, मेकअप निकालना है. डाउन डाउन. तेरा क्या बोला तूने, ये पहले नहीं बोल सकते. इतना खर्चा किया मैंने इतने महंगे मेकअप पे, पहले बोल देते थे मूड हो गए काम करते हैं हम. कोई बात नहीं, हम स्टिपलिंग मेरे पास एक है हल्का सा कॉम्पैक्ट बीएसए का, वो घुमा लो वो ही हो जाएगा. स्टिपलिंग ब्रश घुमा दूंगी हो जाएगा ना. ठीक है ओके ठीक है. दे रहा हूं. हाँ गरीब लोग खूबसूरत भी नहीं लग सकते, ये गरीबी का हुआ है मजाक. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम. उठा के उंगली इन्होंने हमारे मेकअप पे, उठा के उंगली इन्होंने हमारे मेकअप पे, हमारी गरीबी का उड़ाया है मजाक. ऐसे बोलते ना बेटा पैदा हुआ है बेटी पैदा हुई. तो मैं पैदा हुई होंगी तो नर्स ने कहा होगा ड्रामा क्वीन पैदा हुई है. क्या हुआ मीना कुमारी बाबू जी. क्या कहना क्या चाहते हो, क्या कहना क्या चाहते हो. मेक योर हैंड अ सेल्फी स्टिक. माय मेक माय हैंड अ सेल्फी स्टिक. आई कैन बेयरली मेक माय हैंड माय हैंड. यू एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ माय हैंड. इफ आई यूज टू मच ऑफ माय हैंड एंड मेक इट सो 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 मल्टी फंक्शनल देन आई विल बिकम हैंडसम. But I don't be handsome because I'm beautiful. A few moments later. Mera beta mere liye dooda barfi laya hai. Hey, हमें बर्फी कौन सी लानी चाहिए क्या? क्यों? बर्थडे आज कितने लोगों का है सेट पे? कृष्णा का है? हेत का है? हम आ गए, हम तैयार हो गए, हमने बैठ के बहुत सारी बातें कर ली अपने को आर्टिस्ट से और अब हो गया हमारा ब्रेक. सो आज ऐसा बहुत बार होता है कि आपका एक कॉल टाइम होता है और कई बार ऐसे होता है कि आप आते हो और 15-20 मिनट में आप काम करना शुरू कर देते हो. लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि आपका एक कॉल टाइम होता है, आप उस कॉल टाइम पर आते हैं. काम उतना जल्दी शुरू नहीं होता है क्योंकि उसके पहले वाले जो सीन्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए होते हैं या कोई टेक्निकल वजह से आपकी शूट डिले हो जाती है. तो वन ऑफ दोज डेज. लेकिन हमारे ध्रुव तारा के सेट पे हमें इतना मज़ा आता है, हम सारे एक्टर्स मिलके कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं. हमारा वक्त इतना जल्दी गुजर जाता है कि बोरियत का वक्त नहीं मिलता. सो वी डोंट इवन हैव टाइम टू गेट बोर्ड इवन इफ वी हैव टाइम टाइम एंड टाइम बिकॉज वी आर टॉकिंग एंड गेटिंग एंटरटेन्ड. तो यहाँ हमारा खाना लग रहा है और हम घर से खाना लाते हैं. तो ये हमारा टिफिन लगा हुआ है, खाना लग रहा है. सो एवरीथिंग फ्रॉम कटलरी टू वाटर टू आर क्रॉकरी एवरीथिंग कम्स फ्रॉम होम. और हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद हम अच्छा मीठा मीठा खाएंगे क्योंकि हम भी मीठा लाए हैं, दूसरे भी मीठा लाए हैं. हम सबको साथ में बैठ के खाने में बड़ा मज़ा आता है. जब सब आइए तो मैं एक और छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी. तो आज हम खा रहे हैं घर का बना हुआ खाना, हमारा भी और तनय की मम्मी आई हुई है. तो
और उन्होंने भी खाना ओहो हेलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ कैसे हम आज एक फैमिली की तरह मिल गए ना सर अच्छा लगता है डेफिनेटली So I am going to introduce the boys in my vlog. That's Tanay. Hello, Tanay. खाते हुए introduce कर रहा हूँ. खाते हुए जो शादियों में नहीं देखा कि खाते हुए ही कैमरा आता है. Exactly. इशार. आई आपके पता है vlog के अंदर मेरे hairstyle की जो मैंने जवान प्रकार रखा है. And that's a simple. आज ही रखा है. चलो simple से करके जाता हूँ. Phone रुक गया. अभी मुंबई रुक गया. It is anda and it is a kind of curry. उसके ऊपर बहुत पतली वाली करी होती है इसे खाने के लिए. और अब हम खाएंगे मीठा मीठा. हमारा जाने का भी सर्दी हो रही है. So we have very nice sweets. हमने डोडा और रफी तो खाई. Courtesy खाने. अब हम खाएंगे गुलाब जामुन और हम खाएंगे फज. ये देखो लड़कियाँ कितनी दुबली पतली हैं और मैं मीठा 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 खा के और गुलाब जामुन की तरह खोदी हुई जा रही हूँ. हम भी खाने वाले हैं. उस पे मेरी पूरी नजर है. अरे इसको खोल दो. क्या खा रहे हैं हम लोग? फज वॉलनट चॉकलेट फज. आई वेंट टू लोनावला यस्टरडे. अद्भुत. ये लो इसे खोलो. कौन क्या क्या दिया है इसने बताओ. कितने औजार दिए. और तुम मेरा चम्मच भी छोड़ के आ गए बाहर. अब आपके चम्मच था. हम्म. ओहो तो मेरे हाथ से क्यों. अरे चिल्लाओगी राकेश. अभी कुछ देर में एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटने वाली है सर. है अंकित. क्या है वो ऐतिहासिक घटना? मेरा बर्थडे है. हाँ। और आज सिर्फ दो लोगों का बर्थडे. किसका? किसको और उसे नहीं पता. अब बोलो किसका बर्थडे आज और किसका होगा. यानी एक मिनट. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. मेरा बेसन का लड्डू. मेरा कृष्णा. खुश रहो आबाद रहो. कृष्णा भैया जो जो भाई साहब बने ना. भाई साहब नो बर्थडे. भाई जी नो बर्थडे. ये है हमारी स्क्रिप्ट और ये हैं हम हो गए हैं तैयार अब फ्लोर पे जाने के लिए और हम शूट करना शुरू कर रहे हैं. हेलो विष्णु. ये हमारा फर्स्ट सीन शूट होगा. ये हमारा कमरा है. ये हमारे कमरे के बाहर की गली आ रहा है और ये हमारे स्टेप्स है. वो हमारा सेट है. चलिए चलते हैं शूट कर. थैंक यू सो मच. हैप्पी बर्थडे बॉय. थैंक यू सो मच. अरे दीपक जी कहाँ हैं? दीपक जी हैं. अरे टकले इधर आ. जो भी जी काटो बाटो. हैप्पी बर्थडे. मीठा नहीं खा सकता. थोड़ा भी नहीं खा सकता. अरे अरे. One hour later. We have finished the shoot. मैं तो थक गई भैंसा. Thank you. And we are leaving. एक मिनट. और हम आपको किसी स्पेशल इंसान से मिलाते हैं. ये हैं हमारे डीओपी साहब.
तो दिस इज फॉर माय ब्लॉग एंड आई एम स्टार्टिंग द ब्लॉग दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग बहुत वक्त से प्लान कर रही थी लेकिन कांग्रेचुलेशन आई हैव थैंक यू दिस इज द फर्स्ट एपिसोड दैट वी डिड ओके सो यू ऑल आर फीचरिंग इट ऑल द बेस्ट ये दीपक जी हैं बहुत बिजी हैं ये दीपक जी हैं टिमटिम आते हुए दीपक जी आ जाओ आ जाओ वेलकम तो ये है हमारी यूनिट और आज का हो गया हमारा पैकअप आज का था ये हमारा दिन शूट का दिन इट वॉज एन ईजी डे सिंपलर दिन था कम काम था बहुत कम काम था आज तो वरना बहुत 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 बिजी डे होता है शूट पे हम बहुत ही बहुत 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 ऑक्यूपाइड रहते हैं आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे आई होप आप लोगों को ये टूर जो मैंने एक एक्टर की ज़िंदगी का वन ऑफ द डेज एट द शूट करवाया है वो अच्छा लगे ये ब्लॉग मैंने आप लोगों के लिए नहीं अपने लिए शुरू किया है क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत जो है वो बहुत कीमती चीज़ है जो मुझे मिली है इतने सालों से इतने वर्षों से और मैं चाहती थी कि मैं ये व्लॉग शुरू करूं ताकि आप लोगों को वो प्रीव्यू यो वो पीक वो स्नीक पीक या वो चीज़ें बता सकूं जो मैं अपनी ज़िंदगी में करती हूं तो आज का दिन तो बहुत ही शूट 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 वाला व्लॉग था आप लोगों ने ये पहले भी देखा होगा मेरी आती है शूट पे तो वो हमारे साथ यू नो टूर देती है आपको और हम क्या क्या करते हैं वो देती हैं लेकिन घर से शुरुआत करके शूट पे पहुंचने तक हम कैसे तैयार होते हैं हम कैसे चीज़ों को अंजाम देते हैं कितनी बार रीटेक करते हैं ये सब भी मैंने आज आपको जितना हो सके उतने बताने की कोशिश की है तो प्लीज़ एवरीवन जैसे आपने हमेशा प्यार दिया है वैसे ही प्यार मेरे इस ब्लॉग को दीजिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ वॉच माय ब्लॉग एंड कमेंट कि आपको और क्या देखना है मेरी ज़िंदगी के बारे में और क्या जानना है मेरी डेली लाइफ के बारे में और क्या जानना है या मेरे बारे में और क्या जानना है मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग पर आपको वो सारी चीज़ों के जवाब दे सकूँ और आपसे रूबरू हो सकूँ Thank you. I love you all. Thank you so much.